मेरा एक ही संदेश है कि वो राज धर्म का पालन करें, राज धर्म। अगर मोदी पर जो इल्जाम लगाए गए हैं और उसमें रत्ती भर भी सच्चाई, अगर 100 इल्जाम है लेकिन एक में भी सच्चाई हो, मैं मानता हूं भारत के उज्जवल भविष्य के लिए, भारत में उज्जवल परंपराओं के लिए चौराहे पर खड़े रख करके मोदी को फांसी देनी चाहिए। साल 2002, भारत के इतिहास का वो काला दिन जब गोधरा कांड होने के बाद गुजरात में दंगों की आग भड़क उठी थी, जब 59 कार सेवकों के शवों को अहमदाबाद लाया गया और जहां इन मृतकों के पार्थिव शवों को गवर्नमेंट या परिजनों को सौंपने की बजाय विश्व हिंदू परिषद को सौंप दिया जाता है। विश्व हिंदू परिषद के लीडर्स ने इन बॉडीज को खुली गाड़ियों में रखा और बीच शहर से निकालकर VHP के कार्यालय पहुंचाया। उस वक्त न्यूज में इसका लाइव टेलीकास्ट भी हो रहा था और काफी नारे भी लग रहे थे, जिससे पूरा अहमदाबाद सदमे में चला गया था। फिर VHP के लीडर्स इन शवों को 16 हॉस्पिटल ले गए। बाकी हिंदू संगठन जैसे RSS और बजरंग दल के लीडर्स भी अपने कार्यकर्ताओं के साथ काफी गुस्से में वहां पहुंचे थे। देखते ही देखते इतनी ज्यादा भीड़ जमा हो गई कि अहमदाबाद पुलिस के कंट्रोल से बात बाहर निकल गई। लोग सड़कों पर उतर आए थे, मारकाट शुरू हो गई थी और साथियों, आप जितना बुरा सोच सकते हो उससे भी हजार गुना ज्यादा बुरी स्थिति हो गई थी। शहर के सभी मुस्लिम इलाके हाई अलर्ट पर चले जाते हैं क्योंकि हिंदुओं की भीड़ आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी थी। आक्रोश में लोग हिंसा पर उतर आए थे। इस तरफ नरसंहार हो रहा था और उस वक्त गुजरात के मुख्यमंत्री थे आज के PM नरेंद्र मोदी, जिन पर कई लांछने लगे कि उनकी राज्य सरकार ने दंगों को रोकने की कोशिश तक नहीं की। और तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी भी गुजरात दौरे पर आए और प्रजा प्रजा में भेद नहीं करने का पाठ पढ़ाया। राजा के लिए, शासक के लिए प्रजा प्रजा में भेद नहीं हो सकता, न जन्म के आधार पर, न जाति के आधार पर, न संप्रदाय के आधार पर। तो क्या वाकई में गुजरात सरकार ने राजधर्म का पालन नहीं किया था? और क्यों नरेंद्र मोदी ने आरोप लगाने वालों को चुनौती देते हुए कहा था कि अगर आप मुझ पर लगे इल्जाम सच साबित करते हैं तो मुझे चौराहे पर फांसी दे देना? आज सिलसिलेवार तरीके से बात करेंगे 2002 गुजरात दंगों से जुड़े इस नाजुक मामले पर। लेकिन उसके लिए पहले नए दर्शक जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सबसे पहले बात करते हैं उस मुख्य वजह यानी गोधरा कांड की, जिसने गुजरात दंगों की शुरुआत की थी। तो 1992 में जिस विवाद ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था, उस बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि को साल 2002 में 10 साल पूरे हो चुके थे। इस विवाद में पूरे देश के हिंदू मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन किसी ना किसी तरह जुड़े हुए थे। ऐसा ही एक हिंदू संगठन है विश्व हिंदू परिषद, जिन्होंने फरवरी 2002 में अयोध्या में 100 दिनों का पूर्णावती महायज्ञ आयोजित किया था। इस यज्ञ में देश भर से लाखों कार सेवक जा रहे थे। कार सेवक शब्द का अर्थ है जो अपने इच्छा से सेवा करना चाहता हो, और कुछ लोग इनको राम भक्त भी बोलते हैं। खैर, 22 फरवरी को अहमदाबाद से साबरमती एक्सप्रेस में सवार होकर कई कार सेवक अयोध्या पहुंचते हैं। फिर यज्ञ पूरा होते ही 26 फरवरी को सभी कार सेवक साबरमती एक्सप्रेस में बैठकर अहमदाबाद के लिए रवाना होते हैं। इस ट्रेन की कैपेसिटी 1100 की थी, लेकिन ट्रेन में 2000 लोग सवार थे, जिनमें से 1700 कार सेवक थे। जांच रिपोर्ट्स बताती हैं कि इस ट्रेन में जो S5 और S6 कोच थे उनमें सबसे ज्यादा कार सेवक थे, और अगले दिन इन डब्बों में जो होने वाला था वही आगे चलकर गुजरात दंगों का मुख्य कारण बना। आगे बढ़ने से पहले आपको एक बात और बता दें कि इस पूरे वीडियो में हम सिर्फ वही बोलेंगे जो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स में बताया गया है या फिर उच्च स्तरीय न्यूज एजेंसीज द्वारा पब्लिक प्लेटफॉर्म पर पब्लिश किया गया है, और हम पूरी तरह से निष्पक्ष रहेंगे। खैर, 27 फरवरी के दिन सुबह 7:30 बजे साबरमती एक्सप्रेस गुजरात के गोधरा जंक्शन पर पहुंचती है, जहां से अहमदाबाद 2 से 2.5 घंटों की दूरी पर ही था, और ट्रेन पहले से ही काफी लेट थी तो वो जल्दी से अहमदाबाद की तरफ चल देती है। लेकिन अचानक से ही किसी ने ट्रेन की चेन खींच दी, क्योंकि पीछे कुछ कार सेवक छूट गए थे। इसके बाद ट्रेन चल देती है, मगर सिर्फ 1 किलोमीटर बाद दोबारा से एक बार नहीं बल्कि कई बार चेन खींची जाती है, मगर इस बार किसी के छूटने की वजह से नहीं बल्कि एक अग्निकांड की वजह से, जिसने अगले 3 दिन तक गुजरात को जलाया था।
अब चैन खींची गई तो यह कंफर्म है, जिसकी पुष्टि ट्रेन चला रहे ड्राइवर ने भी दी थी। और इन्वेस्टिगेशन के दौरान जितने भी मैकेनिकल डिवाइसेस थे उसमें भी यह कंफर्म हुआ था। तभी ड्राइवर और अन्य यात्रियों ने देखा कि बोगी नंबर S6 में आग लग चुकी है, जिससे उसमें मौजूद 22 पुरुष और 27 महिलाएं और 10 बच्चे समेत कुल 59 लोग जलकर राख हो गए हैं। लेकिन यहां सवाल उठता है कि आग लगी या लगाई गई, और आग लगाई गई तो किसने लगाई। इसे लेकर गुजरात पुलिस की कुछ इनिशियल रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि जैसे ही ट्रेन रुकी तभी आसपास के गांव से 2000 से भी ज्यादा मुसलमान पटरी पर उतर आए और उन्होंने उस बोगी पर पत्थर मारा, और फिर इसी वजह से कार सेवकों ने बोगी के दरवाजे अंदर से बंद कर दिए। तभी बाहर मौजूद गुस्से से आग बबूला हुए मुस्लिमों ने बोगी पर बड़ी संख्या में पेट्रोल बम फेंके, जिससे बोगी में आग लग गई थी। तो सिर्फ S6 बोगी को ही टारगेट क्यों किया गया, जिसे लेकर आउटलुक मैगजीन में छपी एक थियरी ये कहती है कि गोधरा से पहले दाहोद स्टेशन पर एक मुस्लिम चाय वाला कोच S6 में घुसता है और उसे घुसने नहीं दिया जाता है, जिसे लेकर वहां मौजूद कार सेवकों की मुस्लिम दुकानदारों से भी लड़ाई होती है, जो खबर आग की तरफ फैलने लगती है और आगे चलकर गोधरा स्टेशन पर भी ट्रेन में सवार कार सेवकों की मुस्लिम दुकानदारों से झड़प होती है, इसी वजह से आग लगा दी जाती है। वहीं एक थियरी ये भी कहती है कि गोधरा कांड करने के पीछे पाकिस्तान की ISIS का भी हाथ है। उस एरिया में उनके जो स्लीपर सेल थे, जो पाकिस्तान से आए थे, उन्होंने जानबूझकर ये सब चीजें करी ताकि वहां का माहौल खराब हो। हालांकि इस हादसे को लेकर कहानियां तो और भी हैं, लेकिन इन दोनों मुद्दों को CM, PM या फिर इन्वेस्टिगेशन टीम जो थी उन्होंने ऑन रिकॉर्ड या फिर कहीं ना कहीं बोला है। लेकिन यहां एक सवाल यह भी था कि चलती ट्रेन को रोकने के लिए चैन पुलिंग क्यों की गई होगी, जिसे लेकर एक पहलू ये कहता है कि ट्रेन पर हमला करने वाले टोली का ही कोई शख्स ट्रेन में सवार हो, जिसने सही स्पॉट आते ही चैन खींच दी हो। वहीं इस मामले की जांच करने वाली कंसर्ट सिटीजन ट्रिब्यूनल ने इसे लेकर दूसरा पहलू भी दिया। हो सकता है कि S6 बोगी में पहले से ही आग लग चुकी हो, जिस वजह से किसी यात्री ने चैन पुलिंग करके ट्रेन रोकी हो। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि शायद ट्रेन में बाहर से कोई ज्वलंत पदार्थ नहीं फेंका गया, क्योंकि अगर ऐसा होता तो ट्रेन की बाहरी हिस्से नीचे तक जले होते। मगर S6 बोगी का बाहरी हिस्सा सिर्फ खिड़की तक जला हुआ था। ऐसा इसलिए क्योंकि खिड़की के जरिए अंदर से निकली आग की लपटों से सिर्फ ऊपर का हिस्सा जला होता। लेकिन ये आग क्यों और कैसे लगी, उसका सटीक कारण आज भी एक रहस्य ही बना हुआ है। उस वक्त गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी थे और उसी दिन शाम को मुख्यमंत्री की एक बैठक हुई, जिसमें जांच से जुड़े निर्णय के साथ यह भी तय किया गया कि इन शवों को अहमदाबाद लाया जाएगा, चाहे मृतकों के पार्थिव शवों को गवर्नमेंट या परिजनों को सौंपने के बजाय विश्व हिंदू परिषद को सौंप दिया जाता है, क्योंकि उन्होंने कहा कि ये कार सेवक हमारे हैं। अब शुरुआत में तो जनता को समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, मगर फिर VHP के लीडर्स ने इन बॉडीज को खुली गाड़ियों में रखा और बीच शहर से निकलकर VHP के कार्यालय में पहुंचाया। उस वक्त न्यूज में इसका लाइव टेलीकास्ट भी हो रहा था और काफी नारे भी लग रहे थे, जिससे पूरे अहमदाबाद में सदमा हो गया था। फिर VHP के लीडर्स इन्हें 16 हॉस्पिटल ले गए, जहां बाकी हिंदू संगठन जैसे RSS और बजरंग दल के लीडर्स भी अपने कार्यकर्ताओं के साथ काफी गुस्से में पहुंचे थे। देखते ही देखते इतनी ज्यादा भीड़ जमा हो गई कि अहमदाबाद पुलिस के कंट्रोल से बाहर निकल गई। लोग सड़कों पर उतर आए थे, मार काट शुरू हो गई थी, और साथियों आप जितना बुरा सोच सकते हो उससे भी ज्यादा बुरी स्थिति हो गई। शहर के सभी मुस्लिम इलाके हाई अलर्ट पर चले जाते हैं, क्योंकि हिंदुओं की भीड़ आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी। 28 फरवरी 2002 की सुबह पूरे अहमदाबाद में दंगे शुरू हो गए। नोएडा, बापूनगर, पालडी, बेलसपुर, रानीप जैसे इलाकों में दंगे शुरू हो गए। नरोडा में तो 5000 लोगों ने मिलकर 97 लोगों का नरसंहार कर दिया। पुलिस के कंट्रोल रूम हर तरफ से फोन की घंटियों से बज रहे थे, लेकिन इतनी भीड़ के सामने गुजरात पुलिस कमजोर पड़ रही थी। उस वक्त मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी इतने घबरा गए थे कि उन्होंने दूसरे राज्यों की से भी मदद मांगी। गुजरात सरकार ने मध्य प्रदेश की सरकार को, महाराष्ट्र की सरकार को, राजस्थान की सरकार को तुरंत फैक्स चिट्ठी भेजी कि मुझे तत्काल पुलिस की मदद चाहिए, आपका पुलिस फोर्स मेरे यहां भेजिए। तीनों कांग्रेस रूल स्टेट, आई एम टॉकिंग अबाउट 2002 फारूक साहब,
और सारी पुलिस इन्होंने मना कर दिया। मदद के लिए पुलिस को कॉल करने वालों में से कॉल गुलबर्ग सोसाइटी में रहने वाले एहसान जाफरी का भी था, जो कि कांग्रेस के सांसद थे। सोसाइटी के आसपास भीड़ इकट्ठा हो रही थी। सोसाइटी में अधिकतर मुस्लिम रहते थे, हालांकि सोसाइटी के बाहर दो पुलिस वाले भी खड़े थे, लेकिन हथियार के नाम पर उनके पास सिर्फ लाठी थी। दोपहर होते होते दंगाई भीड़ ने सोसाइटी पर हमला कर दिया। अंधाधुन पत्थर और पेट्रोल बम फेंक कर इन बेकसूर लोगों के घरों में आग लगाना शुरू किया गया। इन्होंने सबसे पहले एहसान जाफरी को मौत के घाट उतारा, फिर 33 लोगों को जिंदा जला दिया गया और कईयों को सांसद एहसान जाफरी के घर बंदी बनाकर उनसे बदसलूकी की गई। करीब 6 घंटे तक इन बेकसूर लोगों को तड़पाया गया और इस नरसंहार में सोसाइटी के कुल 69 लोगों की जान गई। दोपहर के 4 बजे कुछ पुलिस अधिकारी स्टेट रिजर्व फोर्स यानी SRP की एक टुकड़ी को लेकर सोसाइटी में पहुंचे, लेकिन तब तक पूरी सोसाइटी जलकर राख हो चुकी थी। कुछ लोग डर के मारे छत पर छिपे बैठे थे, जिनमें एहसान जाफरी की बीबी जाकिया जाफरी भी थी। 3 मार्च तक गुजरात दंगों की आग में झुलसता रहा। अहमदाबाद, गांधीनगर, मोडासा, हिम्मतनगर, मेहसाना, गोधरा, वडोदरा, राजकोट और सूरत समेत कई शहरों में मुख्य रूप से दंगे हुए और हजारों लोग मारे गए और घायल हुए। ऑफिशियल आंकड़े तो कहते हैं कि इन दंगों में 790 मुस्लिम और 254 हिंदू मारे गए, लेकिन अनऑफिशियल रिपोर्ट्स के मुताबिक ये आंकड़े 2000 के भी पार थे, जबकि लाखों लोग विस्थापित और बेघर हो गए। इस घटना के बाद मोदी सरकार ने तुरंत उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जी शाह के नेतृत्व में एक जांच आयोग बनाया, लेकिन विवाद हुआ कि शाह मोदी सरकार के करीबी आदमी हैं और वो जांच को प्रभावित कर सकते हैं, इसलिए सुप्रीम कोर्ट के जज GT नानावती को भी इस आयोग में शामिल किया गया, जिसे शाह नानावती कमीशन के नाम से जाना जाता है। कुछ दिनों बाद देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी गोधरा पहुंचकर घटनास्थल का जायजा लेते हैं और शाम की प्रेस कॉन्फ्रेंस में साथ बैठे नरेंद्र मोदी को राजधर्म का पालन करने की सलाह दी। फिर अटल जी के सिखाए राजधर्म पर चलकर मोदी सरकार ने गुजरात में हालातों को संभाला और 2003 में हुए गुजरात विधानसभा चुनाव में वो बहुमत से जीतकर फिर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ गए। दूसरी तरफ नानावती कमीशन ने 45,000 शपथ पत्र और 1,000 गवाहों के स्टेटमेंट्स के साथ 1500 पन्नों की अपनी फाइल रिपोर्ट कोर्ट में सबमिट की, जिसमें नरेंद्र मोदी और गुजरात गवर्नमेंट को क्लीन चिट दे दी गई। साथ ही उन्होंने देश और दुनिया में फैलाए गए हर तरह के प्रोपेगेंडा को खारिज कर दिया। वहीं राज्य सरकार ने दंगों की जांच के लिए SIT गठन की और SIT कोर्ट ने 1 मार्च 2011 को गोधरा ट्रेन अग्निकांड मामले में 30 लोगों को दोषी पाया था, जिनमें से 11 को फांसी की सजा और 20 को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। और SIT कोर्ट ने यह भी साफ साफ शब्दों में कहे कि गुजरात दंगों में मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी का कोई हाथ नहीं था। 2019 में नानावती कमीशन ने भी 2500 पेज की अपनी फाइल रिपोर्ट पेश की, जिसमें उन्होंने नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट दे दी। तो दूसरी तरफ एहसान जाफरी की बीबी जाकिया जाफरी ने SIT रिपोर्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो रिपोर्ट बिल्कुल निष्पक्ष है और जाकिया जाफरी की याचिका खारिज कर दी गई और सुप्रीम कोर्ट से भी उन्हें क्लीन चिट मिल गई। मगर फिर भी 27 फरवरी 2002 का वो दिन नरेंद्र मोदी के राजनीतिक करियर का सबसे काला दिन था और कुछ समुदाय आज भी PM मोदी के प्रति नेगेटिव दृष्टिकोण रखते हैं। हालांकि दंगों के बाद नरेंद्र मोदी के राजनीतिक करियर पर कई तरह के लांछन लगाए गए, मगर वो कई सालों तक चुप रहे। फिर 2014 में उन्होंने चुप्पी तोड़ते हुए ये कहा, एक छोटी टोली है, इनको लगता है कि हमने इतनी मेहनत की, मोदी पर इतना हमने तूफान चलाया, ये हारता क्यों नहीं है, ये मरता क्यों नहीं है, ये खत्म क्यों होता नहीं है, ये उनकी जिद है। आगे उन्होंने कहा, पूरी तरह जांच पड़ताल होनी चाहिए और दूर 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 छोटी सी भी गुनाह या गलती ध्यान में आती है, चौराहे पर फांसी देनी चाहिए, मोदी को कतई माफ नहीं करना। यानी दंगों की आड़ में न जाने कितनी बार उनके पैर खींचने नीचे गिराने की कोशिश की गई, मगर फिर भी नरेंद्र मोदी की सच्चाई ने उनके पैर डगमगाने नहीं दिए और आज देश के हिंदू से लेकर मुस्लिम तक सभी धर्मों के करोड़ों लोग उनका सम्मान करते हैं। वहीं हाल ही में वाइब्रेंट गुजरात 2023 के दौरान भी उन्होंने इस नाजुक मुद्दे पर बात की थी। मैंने संकल्प लिया, चाहे परिस्थितियां जैसी भी हो, गुजरात को इससे बाहर निकाल के ही रहूंगा।
खैर साथियों, हमने गुजरात दंगों पर निष्पक्ष वीडियो बनाने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी आपके मन में कोई सवाल हो तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा, और अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और भारत के इतिहास से जुड़े ऐसे ही सच्चे वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर बजा दीजिए। धन्यवाद।